अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सब की डाइटिशियन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। मैंने डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाई तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हमें नहीं समझ आ रही कि आप क्या कह रही हैं। मैंने इसी पोस्ट को मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगाया तो भी मुझे सवाल आया कि इसका क्या मतलब है, ये आप क्या कह रही हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, इसको डॉम्स कहते हैं। बस सिर्फ एक मुश्किल सा नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉम्स का मतलब ये होता है जब आप कभी भी, या तो जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और एकदम आप एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं तो अब आपको हर कहीं दर्दें शुरू हो जाती हैं, या फिर अगर आप एक्सरसाइज का लेवल अपना थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, पहले थोड़ी कम कर रहे होते हैं फिर अपनी एक्सरसाइज को स्ट्रेनुअस कर लेते हैं तो भी आपके मसल्स दुखने शुरू हो जाते हैं। बहुत मसल्स में थोड़े थोड़े छोटे छोटे रप्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, विच इज नथिंग टू वरी अबाउट, और आपकी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज टू भी हो जाती है। लेकिन इसका उन्होंने नाम ये रखा हुआ है डॉम्स, विच इज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तो इसीलिए वो थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। मैं तो जब बात करती हूँ मैं तो डाइट की बात करती हूँ कि हमने उसको, अगर आपको डॉम्स से सफर कर रहे हैं, अगर आपको डॉम्स हुआ है तो उसको रिड्यूस कैसे करना है। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जादू कहीं भी नहीं है कि आपको ये मसल सोरनेस हो रही है और मैं आपसे कहूँ कि ये लो जादू की पूड़ी ये खाओ और तुम्हारा जो है ना दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हर वक्त इस पर रिसर्च करते रहते हैं, हर वक्त स्टडीज करते रहते हैं और ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसा क्या हम लोगों को दे सकते हैं जिससे उनका ये डॉम्स रिड्यूस हो सके, इसको हम कंट्रोल कर सकें या हम इसको रिकवरी की तरफ ला सकें। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए एज यूजुअल क्योंकि मुझे फिर भूल जाती है बात, तो इसको हम रिकवरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, कीपिंग डाइट इन माइंड। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं हर वक्त कहती रहती हूँ कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारी डाइट कंप्लीट होनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि फिर जब हम फाके करते हैं और हम सही खाते नहीं हैं और फिर हम ऊपर से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम कोलैप्स हो जाती है और फिर हमारी दर्दें ज़्यादा, हमारी टीसें ज़्यादा उठेंगी। तो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी डाइट अच्छी हो। अच्छी डाइट की बात मैं हर वक्त करती रहती हूँ, मैं हर वक्त आपको बताती रहती हूँ कि आपने किस तरह से, रिगार्डलेस यू वॉन्ट टू लूज वेट और यू डोंट वॉन्ट टू लूज वेट, मैं हर वक्त आप लोगों को बताती रहती हूँ कि आपने किस तरह से हर फूड ग्रुप से खाना है। तो मेकिंग श्योर दैट यू आर ईटिंग वेल, वो तो पहली बात होगी। ठीक है, अच्छा नंबर टू मैं देखती हूँ मेरे नोट्स में, हाँ प्रोटीन। प्रोटीन का हमेशा, आपको पता है हमारे लोग जब जिम जाते हैं तो प्रोटीन शेक ले रहे होते हैं, हमें प्रोटीन की जरूरत है, तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो हमारा एक्सरसाइज और हमारी एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लेकिन प्रोटीन का रिकवरी में भी बहुत बड़ा ताल्लुक होता है, इसीलिए हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि वो कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें तो उसके बाद कोई प्रोटीन शेक ले लिया करें, तो मैं हमेशा कहती हूँ शेक की जरूरत नहीं, दूध का ग्लास ले लें या फिर मैं कहती हूँ कि किसी किस्म के प्रोटीन खा लें, जरूरी नहीं कि शेक लें। लेकिन द थिंग इज के यू नीड, प्रोटीन इज गुड फॉर रिकवरी। एक तो आप कुछ ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज से पहले भी लो प्रोटीन और एक्सरसाइज के बाद भी, सो पहले जब आप प्रोटीन लेते हो तो आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और बाद में जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। सो ऑल इन ऑल जब हम डॉम्स की बात करते हैं, आई होप नाउ यू नो व्हाट डॉम इज, जब हम डॉम्स की बात करते हैं, मुझे अपनी बात में हंसी आ रही, तो हम जब डॉम्स की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि डाइट अच्छी होनी चाहिए और प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। अब मैं थोड़ा स्टडीज की तरफ आती हूँ, जो हर वक्त रिसर्च करते रहते हैं कि कभी कभी 20 लोगों को लेकर रिसर्च करते हैं, कभी 100 लोगों को लेकर रिसर्च करते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च की बात करती हूँ कि इस पर रिसर्च क्या क्या हुई। क्या आगे मेरे नोट्स, अच्छा हाँ, सबसे पहले जो उन्होंने जो चीज़ का कहा है विच कैन हेल्प इन रिकवरी ऑफ डॉम्स इज कैफीन। कैफीन का वैसे भी बहुत ज़्यादा उस पर, कॉफ़ी अक्सर लोग कॉफ़ी पीते हैं टू ऑप्टिमाइज योर एक्सरसाइज एंड ऑल, वैसे भी उसकी उस तरफ की तो रिसर्च है ही है कि आप कॉफ़ी पियेंगे तो आपका वो अलर्टनेस ज़्यादा होती है, आप एक्सरसाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो रिसर्च तो है ही है। साथ में कैफीन की रिसर्च ये भी है कि इट हेल्प्स इन रिकवरी विथ योर डॉम्स। अब मुझे बहुत सारे सवाल आएंगे कि कितनी कैफीन लें, हमें अमाउंट बताएं, किस वक्त लें। अभी द
द रिसर्च इज सेइंग दैट हैबिट, और द रिसर्च इज सेइंग बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि उसको अपने दिन के रूटीन में रखें, वो ये कहना चाह रहे हैं. और अमाउंट उन्होंने हमें नहीं दी, ठीक है. तो मुझे पता है मुझे बहुत क्वेश्चंस आएंगे अमाउंट, तो मैं अभी से आपको बता देती हूँ कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है. इतनी कैफीन, ये ना कि कैफीन ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैफीन भी अच्छी नहीं है, ठीक है. यूजुअली वी कैन टॉलरेट अप टू 3 to 5 कप्स डिपेंडिंग ऑन द पर्सन. तो आप जिस किस्म के इंसान हैं उसके मुताबिक लें. लेकिन कैफीन चाय में भी होती है, कॉफ़ी में भी होती है, बहुत सारे ड्रिंक्स में होती है, इवन ग्रीन टी में होती है, कम होती है. तो यू कैन इंक्लूड कैफीन इन योर डाइट. अच्छा, नंबर टू जो चीज़ जिस पर उन्होंने स्टडी की थी, जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए थे, और जो इन एनी केस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मैं हर वक्त बात करती रहती हूँ. मैं हर वक्त कहती हूँ कि ये आप अपनी डाइट में, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं. लेकिन इस वक्त मैं डॉम्स की बात करी हूँ, तो मैं इसको डॉम्स की उसमें बात करूँगी. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो जब आपको दर्दें होती हैं, तो आपकी इन्फ्लेमेशन में आपको मदद देगा. तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप ज़रूर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें. जब मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ ऑयली फिश का इस्तेमाल करें. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं, लोग समझते हैं कि मैं समझती हूँ कि फिश को तल के खाएं तो वो ऑयली फिश है. वो फिश नहीं, ऑयली फिश एक फिश की टाइप होती है जिसमें ज़्यादा फैट्स होते हैं. अब मैं समझती हूँ जब हम यूके में हैं, तो यूके में बहुत ईजीली अवेलेबल है ऑयली फिश, मैकरेल, पिलचार्ड्स. लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मुझे इसके उर्दू के नाम भी नहीं आते कि मैकरेल को क्या कहते हैं, पिलचार्ड को क्या कहते हैं, सार्डिन्स को क्या कहते हैं, ट्यूना को आप सबको पता होगा. तो मैं समझती हूँ अगर तो सामन मेरा ख्याल है फिर भी दस्तयाब होता है. तो आप सामन को एज अ ऑयली फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्यूना को एज अ ऑयली फिश इस्तेमाल कर सकते हैं. हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा लिया करें, इट इज़ वेरी गुड एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर डॉम्स, ठीक है. अच्छा, अब उसमें ये बात आ जाती है कि जो लोग अगर दस्तयाब नहीं हैं, या जिन लोगों को ये फिश पसंद नहीं है, फिर हम कहते हैं कि आप फ्लैक्स सीड्स ले लें, चिया सीड्स ले लें, बिटवीन 15 to 30 grams दिन में ले लिया करें. बात यह है कि जिस तरह से ओमेगा 3 हमें फिश से मिलेंगे, वो हमें इन सीड्स से नहीं मिलेंगे. लेकिन बहरहाल अगर नहीं ले रहे, तो उससे अच्छा क्या कि सीड्स ले लिया करें, फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स. अच्छा, द थर्ड थिंग जो रिसर्च बताती है, विच हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ डॉम्स, इज पॉलीफिनॉल्स. पॉलीफिनॉल्स आर कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स की शेप में होते हैं, और इन एंटीऑक्सीडेंट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं. मुश्किल बात को आसान ये कि फल और सब्जी ज़्यादा खाएं. फल और सब्जी में ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन में आपको हेल्प करें. वेजिटेबल्स का अब मुझसे लोग पूछेंगे कि कितने खाने चाहिए, आप उसी तरह से फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लें, 2 to 3 fruits अपने डाइट में इंक्लूड करें. द थिंग इज़ कि देर इज़ नो अभी कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एविडेंस नहीं है कि ये खाओगे और एकदम आपका ये डॉम्स ठीक हो जाएगा. बाहर उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं, और उन स्टडीज़ में रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ये इंक्लूड करें अपने उसमें अपने डाइट में. तो मैं अब इसकी थोड़ी सी समरी बना दूंगी, ठीक है, एंड में ख़त्म करने से पहले, कि जिन लोगों को डॉम्स होता है, डॉम्स वो होता है जब आपको मसल सोरनेस हो जाती है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपकी डाइट अच्छी हो, प्रोटीन का इनटेक हो, कैफीन का इस्तेमाल हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल हो जो कि फिश है, और नंबर 5 मैंने कहा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. बस दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट डायट्री इंटरवेंशन विथ डॉम्स. अपना बहुत ख्याल रखें. आई लव ऑल ऑफ यू अ लॉट. रिमेंबर गाइज, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज.